नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गन्ना पर्ची कैलेंडर को किस तरह से आप देख सकते हैं। सभी किसान भाइयों के जो है गन्ना की पर्ची आना शुरू हो चुकी हैं। आपको अभी तक नहीं पता है कि हमारी कितनी पर्ची लगी हुई है, कितनी आने वाली हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से आप जो है गन्ना की पर्ची को, गन्ना कैलेंडर को कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे kenupcane.up, इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सामने टेक्स्ट शो हो रहा है, कैप्चा शो हो रहा है, इसको जो भी सामने जैसे भी आ रहा है उसको भर लेंगे। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना चीनी मिल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो गाँव है जिसमें आपका सट्टा बना हुआ है गन्ने का, वो आपको यहाँ पर अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ समय थोड़ा सा वेट करेंगे, ये रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ग्रोअर नेम मतलब किसान का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना, अपना जो भी कोड है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक किसान का यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने एक किसान को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिफ्रेश होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद में ये जैसे रिफ्रेश होकर ओपन होता है यहाँ पर ग्रोअर की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ, यदि आपने अभी घोषणा पत्र नहीं भरा, इस तरह से यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन आता है। अगर आपका घोषणा पत्र नहीं भरा है तो भर लेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर लिंक मिलते हैं, प्री कैलेंडर, गन्ना कैलेंडर, अतिरिक्त सट्टा कैलेंडर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है गन्ना कैलेंडर पर। गन्ना कैलेंडर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई कि आपकी कितनी पर्ची यहाँ पर लगी हुई हैं। तो टोटल पर्चियों की संख्या यहाँ पर दी रखी है। यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, राइट हैंड साइड पर नीचे आपको टोटल मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर टोटल 28 पर्ची जो है लगी हुई हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी पर्ची जो है लगी हुई हैं, कितनी पर्ची आने वाली हैं। इस तरह से यहाँ से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। प्री कैलेंडर भी है, प्री कैलेंडर पर जाएंगे तो प्री कैलेंडर में आपको टोटल पर्ची वहाँ भी शो हो जाएंगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी डिटेल अपनी देख सकते हैं। इस तरह से अपना गन्ना पर्ची कैलेंडर को देखकर आप चाहें तो आगे सुपरवाइजर से संपर्क करके आप इसको संशोधित भी करवा सकते हैं। तो आपको अपना पर्ची देखने के लिए यहाँ पर आना होगा, यहाँ से अपना गन्ना पर्ची कैलेंडर को देखकर यहाँ पर देख सकते हैं। प्री कैलेंडर में इस तरह से यहाँ भी 28 दिया हुआ है। तो पूरी जानकारी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। इस तरह से अपना गन्ना पर्ची का कैलेंडर आप देख सकते हैं। पर्ची आपके जो है मोबाइल फ़ोन पर जो है SMS के माध्यम से भेजी जाती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।